हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद पैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बिना देरी किए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने एक फ्रिज बास्केट ली है, ये ओल्ड बास्केट है। मैंने सोचा इसको रीयूज़ किया जाए। हम इसको हैंगिंग प्लांटर की तरह यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक स्टिक ली है और उस पर मैंने रोप को अटैच किया है। मैंने कुछ इस तरह का पैटर्न इसमें बनाया है। स्टिक पे मैक्रेम रोप ली है मैंने, ठीक है। आप इसमें जूट रोप भी ले सकते हो सिंपल। और अगर आपको इस तरह का पैटर्न नहीं बनाया है तो आप सिंपल रोप को स्टिक से अटैच कीजिए और मैं बास्केट में लगा दीजिए, तो ये बहुत सिंपल सा हैंगिंग प्लांटर बन जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है, आपको वीडियो में देख के पता चल रहा होगा। तो इस तरह से मैंने, आप सिंपल रोप लेके कर सकते हैं। ऐसे करके मैंने इसको बास्केट में अटैच किया है। ये पीछे की तरफ मैंने इसमें होल्स कर दिए थे थोड़े से दोनों तरफ, और इसको मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है स्टिक को। और स्टिक में भी ऊपर मैंने इसी तरह का पैटर्न बना के इसको हैंग करने के लिए पूरी रोप बना दी है। तो ये इस तरह से बन गया है। वैसे तो ये वाइट भी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा कलर करके और अच्छा लगेगा। एंड बीच में एक और मैंने इसको सपोर्ट के लिए एक और रोप जोड़ दिया है। आप सिंपल रोप जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूट रोप ले सकते हो, जूट रोप से को भी अटैच कर सकते हो इसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए। हम जो बेकार चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती है तो हम उनको रीयूज़ करके यूज़ में ला सकते हैं और अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। काफ़ी वेस्ट मटेरियल मिल जाता है हमें हमारे घर में, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। ये बास्केट कंप्लीट करने के बाद मैंने बीच में एक थोड़ी सी सपोर्ट दे दी है इसको। ये साइड में होल्स बनाए हुए हैं इसमें। इस तरह से आप इस तरह की पैटर्न ना बना के सिंपल रोप अटैच कर दीजिए तो उससे भी हो जाएगा। और बीच में चाहे ना स्टिक ना लें, आप बिना स्टिक के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हैंग कर दीजिए इस तरीके से, तो भी आपका एक हैंगिंग प्लांटर बन जाएगा। बट मैं थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए इसको ऐसा किया है। और मैंने इसमें सबसे पहले किया है जेसो, होममेड जेसो किया है इसमें मैंने। जैसो करने की वजह से जो आप कलर्स इस पर करेंगे वो आपके क्लियर दिखेंगे इसमें। तो इसके बाद कुछ इस तरह के कलर से मैंने इसमें पैटर्न्स बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसमें कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। उसके बाद मैंने इसमें लीव्स के पैटर्न्स बनाए हैं। तो आपको जो कलर आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो जो मुझे अच्छे लगते थे, थोड़ा ब्राइट से कलर मैंने इसमें रखे हैं। इस तरह से मैंने कुछ लीव्स पैटर्न इसमें बनाया है। पेंटिंग आपको जो अच्छी लगे, मैंने बहुत इजी सी पेंटिंग की है, मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं आती है। तो अगर आपको अच्छी आती है तो आप और अच्छी कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल सी पेंटिंग इसमें रखी है, सिंपल डिज़ाइंस बना के आप कुछ भी, तो बहुत अच्छा लगता है इससे, थोड़ा सा और एनहेंस बढ़ जाता है। कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आपको बनाना है। सिंपल सा जो डिज़ाइन आपको इजी लगे, और सिंपल डॉट डॉट्स कर दीजिए या फिर आप डिफरेंट कलर्स करके छोड़ दीजिए तो भी ये बहुत प्यारा लगेगा। सिंपल लीव्स बना दीजिए आप। ये डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए हैं, और जब ये एक बार अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके बाद आप वार्निश करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वार्निश करने के बाद ये सेफ हो जाता है अगर आप लंबे समय तक इसे चलाना चाहते हैं। और इस तरह से ये हैंग कर दीजिए। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और नए नए आइडियाज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूँगी। फ्रेंड्स, मेरा गला ख़राब होने की वजह से इस वीडियो में मेरी वॉइस थोड़ा अच्छी नहीं आ रही है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सबसे, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा इसको। सॉरी, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।